राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश दौरे पर आई। मंगलवार को वे बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर शहडोल में आयोजित कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इसके बाद वे राजधानी भोपाल पहुंची, जहां स्ट्रीट हैंगर पर राष्ट्रपति को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजभवन भोपाल से भारतमाला परियोजना अंतर्गत 417 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले रातापानी अब्दुल्लागंज इटारसी फोरलेन राजमार्ग का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। वहीं फोरलेन राजमार्ग शिलान्यास कार्यक्रम एमपी के गवर्नर मंगू भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद मध्य प्रदेश की मेरी यह पहली यात्रा है। माफ कीजिएगा, ये द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आज आप सबके स्नेह और स्वागत में मैं अभिभूत हूँ। मैं राज्य के 8.5 करोड़ निवासियों को धन्यवाद देती हूँ। कहीं न कहीं उनका अपना सबका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अभी 6:30 बजे हमारे सामने एक कार्यक्रम शुरू होगा भोपाल में, राजभवन, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय होंगे। द्रौपदी मुर्मू जी के तत्वाधान में आयोजित किया। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने आदिवासी वर्ग से हमारी राष्ट्रपति महोदय को चुना। क्षेत्र में मध्य प्रदेश और देश में जिस प्रकार का सड़कों का जाल बिछ रहा है, आपने देखा होगा अभी गत दिनों में हम लोगों ने 2 साल पहले जब पीयूष गोयल जी मंत्री हुआ करते थे रेलवे मंत्री, तो उस समय भीमबेटका और नूरगंज के रेलवे ब्रिज के लिए बात की थी माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, सांसद जी के सहयोग से 56 करोड़ का मार्ग वो रेलवे ब्रिज बन रहा है। भूमि पूजन बहुत जल्दी होगा। भीमबेटका जो कि वर्ल्ड हेरिटेज है और वहां पर आवागमन की असुविधा होती थी।